बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के SKMCH में उपस्थित हैं और जिस घटना को दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को बड़ी गौर से देखेंगे। जिला प्रशासन तक ऐसी घटनाओं की सूचना जाना चाहिए। आज हमारे साथ एक पीड़ित महिला यहां पर उपस्थित हैं, चंदर देवी नाम की हैं और ये मैठी पंचायत गायघाट ब्लॉक की अस्थायी निवासी हैं। घटना 29 तारीख है, कुछ दबंगों ने इनकी माता श्री को और इनको इतना मार मारा, ये इनका दिमाग जो है पूरी तरह से जो है जख्मी है, लेकिन पहले ये अपनी माँ की इलाज करा रहे हैं, इनके आगे पीछे कोई दौड़ने वाला लोग नहीं है। इनकी माँ जो है लगभग उम्र में 70 वर्ष करीब करीब हैं, जो कि वार्ड 9 नंबर वार्ड में भर्ती हैं और उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। उस चीज़ को भी हम बड़ी गौर से दिखाएंगे, घटना कैसे घटी और मारने वाले जो दबंग है इतने खतरनाक हैं कि जिसके डर से ये अपने घर भी नहीं जा रही हैं। गायघाट थाने में जब पहुंची तो थाना के लोग वहां जो है इनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहुंच वाले लोग उसके पक्ष में थे और उसके बाद ही अपनी मां को इलाज कराने के लिए यहां पर आ गई। यह जो है अहियापुर थाने की OP में इनका फर्द बयान दर्ज है और यहाँ से अहियापुर इनका प्रतिलिपि जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। अब मामला क्या है इसको बारीकी से समझ सकते, कौन कौन मारने वाले लोग थे? अर्जित इंदर सानी है, दबिया से हमको मारत रहा, तब माता लोग दिया, माँ या बेटी दुई आदमी हमको घर में है। हाँ। तो कोई नहीं सहायता देता है, गांव समाज के लोग को ले आता। क्या क्या नुकसान भी हुआ? नुकसान हुआ, टाटी तोड़ दिया। हाँ। फट्टी उट्टी तोड़ दिया, घर उर नोच दिया। हाँ। और हमको पानी दवाई सुइया हुआ। हाँ। बैठल रहा। हाँ। हाथ से हटा दिया जो काहे टाटी तोड़ा है। हाँ। के लिए हमको सब झोटा पकड़ के मारने लगा। वही में दवा दे दिया देविंदर सानी। किसी को ज्यादा भी चोट आया है क्या? देविंदर सानी कहा जब पूछ दीजिए, ये होएगा से होएगा। बेरुआ के राजपूत के ले आता है हमको जुरा पर धमकी देता है। बेरुआ का राजपूत कौन है? आता है कि इसे बार खर लेगा। हमको पूछना ये पता कौन है बेरुआ का राजपूत कौन है? श्याम सिंह है। हाँ। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इसे मार का मुँह घुमा देगा चंदर के, काहे उसको पर केस करता है, पूरा नाम बताइए अपना। चंदर देवी। टूटी फूटी भाषाओं में चूंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और कोई बेरुआ का राजपूत हैं, क्या नाम होते हैं? श्याम सिंह नाम का कोई व्यक्ति है जो कि उस पक्ष का बहुत सारे सहयोग प्रदान कर रहा है, जिसके कारण महिला जो है आज की स्थिति में अकेली है। फिलहाल इस घटना पर हमारे साथ कुछ सामाजिक लोग भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आशा पत्रकार भी, अविनाश साई जी, क्या कहते हैं इनके बारे में, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं के बारे में? जिला पुलिस प्रशासन क्या करें? देखिए, ऐसी घटनाएं जो है समाज के लिए हमेशा निंदनीय रही हैं। हाँ। क्योंकि समाज में इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए। हाँ। और ख़ास करके वैसे लोगों के ऊपर जिन लोगों के आगे पीछे देखने वाले कोई नहीं। जिस वृद्ध महिला की जो चर्चा कर रहे हैं आप लोग, गरीबी देवी या कुछ ऐसे गरीबी मुस्मात करके नाम है उनका। हाँ। वो आज जो कुल्हा टूटने की वजह से आज इस SKMCH के वार्ड नंबर 9 में आज रहने को मजबूर है। उनका कोई बेटा नहीं, उनको सिर्फ बेटी है। सवाल यह है कि दबंग और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है मुजफ्फरपुर जिला में आखिर, और एक तो जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि DM कार्यालय गेट के सामने एक तेल डालकर जलने के लिए मजबूर हो गया और मामला बस इतना ही था कि उसकी फरियाद को नहीं सुना जा रहा था, जबकि जिला पुलिस कप्तान SSP साहब का घटना होने से पहले ही पहुंचना और अपराधियों को इनकाउंटर करना यह साबित करता है कि वो सक्रिय है। लेकिन ऐसे दबंगों के ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं जो कि लाचार गरीबों पर अत्याचार हो रहा लगातार? देखिए, कहावत ये है। हाँ। कि एक चना भार नहीं खोलता। हाँ। उसी तरीके से SSP साहब भले कितना भी कारगर हैं। हाँ। लेकिन जब तक उनकी पूरी टीम जिम्मेवारी पूर्वक कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर काम नहीं करेगी तो इस तरह की घटनाओं का आ जाना समाज के अंदर में, समाज में उभर कर आना, ये आम बातें हैं। इसके पीछे मूल रीजन यही है कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो लोकल स्तर पे हैं, उन लोग तो सिर्फ शराब के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो लोग जुआरियों को पकड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो लोग सिर्फ वही काम करने के चक्कर में पड़े हुए हैं जहाँ से 2 पैसा आ जाए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जो गरीब का मदद नहीं हो पा रहा है। और भी खास करके जो ये महिला के साथ जो घटना हुई है, इसके पीछे का जो रीज़न दिख रहा है या अनुमान लग रहा है, वो वही मामला है
जो इस शहर को, इस जिला को बहुत पुराने समय से लोग झेल रहे हैं और उसका नाम है भू माफियागिरी। भू माफियागिरी का ही यह परिणाम है कि वो दबंग इसकी भूमि को हड़पने के उद्देश्य से, इसको छन्नर कराने के उद्देश्य से इस तरह की प्रताड़ना करते रहे, और जो भू माफियागिरी होते हैं वो हमेशा प्रशासन से मिली भगत किए रहते हैं। इसके कारण गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, इसके कारण गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है। साईं सेवादार अविनाश कुमार, सामाजिक। सवाल ये बनता है कि महिला जो है जिला पुलिस प्रशासन और वरीय पुलिस पदाधिकारी के उम्मीद पर अब टिकी हुई है, चूँकि गायघाट थाना से इसे न्याय नहीं मिल रहा है, चूँकि दबंग लोगों का पहुंच जो है गायघाट थाना प्रभारी तक है और उनके साठ गांठ के साथ है, जिसके कारण वो मौखिक कहता है पीड़ित परिवार को आकि मेरा कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, तुमको जितना केस करना है कर लो। और आज महिला लाचार है, हम लोग जो है प्रेस की मीडिया की टीम जो है एसकेएमसीएच में भर्ती है, यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस न्यूज को मारपीट भेलक है केकरा से? जंगल रखा ना, हमको मूसा लग गया, हमको घर मरद मास नहीं है, जो हिंदू मसारी बेटी है गाड़ी हटा दिया ना, अही बनाने दाब से हमको मार दिया, तब ओकरा झुटका धपा। अच्छा, इनको इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हो रखा है राइट साइड का, ठीक है, फ्रैक्चर कंफर्म है? हाँ हाँ, फ्रैक्चर कंफर्म है। क्या पर्ची है सर? हम डॉक्टर पंकज है। तो गंभीरता से जिला पुलिस कप्तान तक पहुंचा रहे हैं, जो लोग इस खबर को देख रहे हैं हम कहेंगे कि एक शेयर जरूर कर दीजिए कि किसी गरीब का कल्याण हो जाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।